हे एवरीवन, सो आज से हम लोग डेली कोशिश करेंगे कि इंडिया के एक कंट्री के साथ में कंप्लीट रिलेशनशिप है जो कि हम लोग स्टडी कर सके। हमारे इंडिया के सभी एग्जाम के कॉन्टेस्ट के अंदर ये वीडियो है जो कि मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ। तो आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं वो सबसे पहले बांग्लादेश के साथ में करने वाले हैं। अभी जो बांग्लादेश में टसल चल रहा है उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि इंडिया ने काफी पॉजिटिवली जो है वो बांग्लादेश को हर एक फ्रंट पे डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट किया है। लेकिन इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट की बात करें तो 1971 में हमने हेल्प करी थी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, वो भी पाकिस्तान से। उसी के बाद में दिसंबर में हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है जो कि एस्टैब्लिश हुए। ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो हम लोग 4096 किलोमीटर की लैंड बाउंड्री है जो कि टच करते हैं 5 इंडियन स्टेट से, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये 5 राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स में बांग्लादेश इंडिया का लार्जेस्ट साउथ एशियन कंट्री माना जाता है। 2022-23 का हमारा जो ट्रेड रहा है वो 18 बिलियन डॉलर का रहा। मेजरली हमने कॉटन, सीरियल और मशीनरी है जो कि एक्सपोर्ट करी है। हम बांग्लादेशी प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री एक्सेस भी देते हैं। अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो रोड, रेल एंड वाटर रूट्स के थ्रू हम लोग कनेक्टेड है आपस में। रेल लिंक के अंदर अकुरा अगरतला है, एक ओल्ड रेलवे लाइन थी कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, वो भी ओपन हो गई है। बस सर्विसेज कोलकाता ढाका अगरतला के बीच में काफी टाइम से कनेक्टेड है। सिक्योरिटी कॉपरेशन में हम लोग इंसर्जेंसी, टेररिज्म, बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर आपस में एक दूसरे के साथ में हेल्प करते रहते हैं। हमने इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भी 2015 में किया। 41 ईयर ओल्ड डिस्प्यूट है जो कि हमने रिजोल्व किया था। बांग्लादेश हमारा की पार्टनर माना जाता है नेबरहुड फर्स्ट एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंदर। हम लोग सार्क, बिम्स्टेक, BBIN, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल इन सब के ग्रुप के कॉमन मेंबर हैं। डिफेंस में हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति साथ में करते हैं।